एमएल सीरीज़ में नेक्स्ट आज जो हम देखने वाले हैं वो है गेट पाइवट डेटा। पाइवट टेबल में डेटा के साथ हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं वो आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे, और डेटा को किस तरह से पढ़ा जाए, या रिपोर्ट यदि हमारी बहुत बड़ी हो तो उसे हमें इंडिविजुअली चार्ट बनाना हो तो उसको कैसे हम एक ही चार्ट में हम सारी चीज़ कंटेंट समझ सकें, तो उसके लिए हमें गेट पाइवट डेटा में कुछ आपको फार्मूलेज ऐड करने हैं। फार्मूले किस तरह से लगाते हैं कि हमारे पास एक पाइवट टेबल भी क्रिएट हो, आपके पास एक चार्ट भी क्रिएट हो और सारी डिटेल्स हम उसके अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। जैसे हमारे पास देखिए ये डिटेल दे रखी है, इसमें हमने चार्ट भी बनाया हुआ है, पाइवट टेबल भी है। हमें किसी प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है तो हमने जैसे ही प्रोडक्ट चेंज किया तो यहाँ पर भी आपको डिटेल पता पड़ेगी। अब देखो यहाँ हार्ड डिस्क में हमने सेक्शंस भी दे रखे हैं, इस टेबल में सेक्शंस भी दिए हुए हैं। अगर हमें सेक्शंस हटाने हैं भाई, हार्ड डिस्क सेक्शन उस 3 में नहीं होगा तो हार्ड डिस्क सेक्शन 4 में हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अप्रैल मंथ में और उसका ग्रांड टोटल दिखा रहा है, और यही चीज़ आपको चार्ट में भी शो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक साथ हम एक ही टेबल को, उसका चार्ट और उसका हम पाइवट टेबल भी बना सकते हैं, और कंटेन हम उसको एक ही कंटेन में उसको ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए हम एक नई शीट इंसर्ट कर लेते हैं। हमारे पास मेन टेबल ये बनी हुई है जिसमें हमने नेम, मंथ, प्रोडक्ट, सेक्शन और सेल्स ले रखा है। नई टेबल पे हमें यहाँ पे सबसे पहले पाइवट टेबल क्रिएट करनी है, तो पाइवट टेबल बना लेते हैं हम। तो पाइवट टेबल बनाने के लिए हमने कर्सर इसी टेबल के अंदर रखा है, इंसर्ट में गए, पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज ले लिया हमने। हमें नई वर्कशीट पर ही बनाना है तो न्यू वर्कशीट वाला सेलेक्ट है, और ये टोटल रेंज भी हमारी सेलेक्ट हो चुकी है, ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको मंथ वाला जो डेटा है उसको हमें कॉलम में ले लेना है। ये मंथ हमने कॉलम में ले लिया, प्रोडक्ट और सेक्शन हमें यहाँ पे रो में ले लेना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए सेक्शन बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अलग पैटर्न से भी उसको यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास सेक्शन नहीं है, आपने डिपार्टमेंट कुछ ले रखे हैं तो उस डिपार्टमेंट को आप यहाँ पर ले लें, और वैल्यूज़ यानी सेल्स की वैल्यू है वो हमें वैल्यू में ऐड कर देनी है। कुछ इस तरह से हमारे पास ये पाइवट टेबल बन जाती है। अब हमें यहाँ पे मंथ लेने हैं, जिस मंथ वाइज हमें सारी डिटेल पता करनी है, तो मंथ वाला जो डेटा है वो हमें इसमें से लेना है। अब इसमें हमें सारे मंथ जो लेने हैं वो रिपीट में भी है, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, मंथ को यूनिक वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। अब यूनिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन यूज़ करेंगे जो डेटा टैब में आपको मिलेगा, कंटिन्यू विद द करंट सेलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट। इससे क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ यूनिक वैल्यू आ जाएगी, जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो रिमूव हो गई। उसी तरह से हमें प्रोडक्ट और सेक्शन में भी करना है। हम दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और रिमूव डुप्लीकेट से इनकी वैल्यूज़ को भी हमें हटा देना है। तो यूनिक वैल्यू ही हमें चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू को हमने हटा दिया। अब हमें यहाँ पे मंथ को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने कंट्रोल सी से हमने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट हमें शीट पे जाके हमारी जो, या तो आप नई शीट पे बना लें ये सारा, या फिर आप उसी टेबल पे ले लें जहाँ पे आपने पाइवट टेबल बना रखी है, हम यहीं पे ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने कंट्रोल वी कर दिया, लेकिन कंट्रोल वी आप डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये आपको इस तरह से मिलेगा डेटा जैसा उसमें है वैसा के वैसा यहाँ पे पेस्ट होगा। लेकिन हमें इस तरीके से पेस्ट नहीं करना है, हमें इसको ट्रांसपोज में पेस्ट करना है ताकि हमें इसमें वर्टिकल से हमें हॉरिजेंटल में लेना है। तो होम टैब में जाके यहाँ से आप ट्रांसपोज का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपका सारा डेटा जो आपने मंथ सेलेक्ट किए थे वो सारे डेटा को आप हॉरिजेंटली पेस्ट कर सकते हैं। ये हमने बना दिया मंथ, हम मंथ की हेडिंग यहाँ पे डाल लेते हैं, थोड़ा फॉर्मेशन भी हम वही दे देते हैं, और नीचे हमें सेल्स लेना है, इसको हम बॉर्डर बना देते हैं। ये देखिए हमने कुछ इस तरह से इसको रेडी कर दिया है। अब हमें बनाना है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, जो हमारी टेबल है उसमें से हमें डेटा वैलिडेशन बनाने के लिए जो सेक्शन, जो प्रोडक्ट आपके पास हैं उनका वैलिडेशन हमें सेट करना है। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन बना देते हैं, एक तो हम बना देते हैं प्रोडक्ट का और एक हम बना देते हैं सेक्शन का। फॉर्मेट भी हम सेम यही ले लेते हैं, तो हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर लेते हैं।
थोड़ा कलर वगैरह भी हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं इसमें। अब हमें यहाँ पे डेटा वैलिडेशन बनाना है, तो प्रोडक्ट का डेटा वैलिडेशन बनाना है, जो प्रोडक्ट हमारे पास है उनका हमें वैलिडेशन बनाना है, और सेक्शन का भी हम वैलिडेशन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सेक्शन भी इसमें ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के लिए प्रोडक्ट के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करें और डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन, ये डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हमें ऑप्शन लेना है अलाउ में लिस्ट का ऑप्शन। ये हम कई सारी वीडियोस में पहले भी कर चुके हैं। सोर्स में हमें उस शीट में जाना है जहाँ पे आपका वो मेन जो टेबल है आपकी, वहाँ से प्रोडक्ट हमें ले लेना है। ये प्रोडक्ट हमने ले लिए, ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे सीडी है, डीवीडी है, सारे हमने ले लिए। वैसे ही सेक्शन का भी हमें डेटा वैलिडेशन लिस्ट के रूप में बना लेना है। ये लिस्ट लिया, सोर्स में उस टेबल में जाएंगे और सेक्शन वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और ये भी हमारे पास सेक्शन आ जाते। तो इस तरह से हमारे पास ये इतना प्रोसेस कंप्लीट होता। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हमें यूज़ करना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें कर्सर सेल के यहाँ आगे रखना है, इक्वल्स टू करेंगे। इक्वल्स टू करने के बाद हमें यहाँ पे ये फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करना है। अब देखिए कई बार होता है, एक चीज़ में और आपको बता देती हूँ, जब हमारे पास यहाँ पे देखिए सीडी डीवीडी जो प्रोडक्ट हमारे पास दे रखे हैं उनको अलग से हाईलाइट भी किया हुआ है, यानी टोटल है, यानी हर प्रोडक्ट की टोटल अलग से दे रखी है और सब टोटल अलग से दे रखी है, यानी ग्रांड टोटल अलग से दे रखी। अगर हम चाहते हैं कि इनकी सब टोटल आप रिमूव कर दें, तो रिमूव करने के लिए देखिए एक प्रोसेस है, जब हम इनको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए सारे रोज़ जो भी हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से इनको भी सेलेक्ट करेंगे, इन प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके एक एक प्रोडक्ट को हम इस तरह से सेलेक्ट कर देते हैं। और इनकी वैल्यूज़ को हटाना है, देखो ये जो डार्क में थोड़ा सा दिख रहा है ये इनकी वैल्यूज़ है, राइट क्लिक करो और सब टोटल प्रोडक्ट कर दो, तो क्या होगा, इन प्रोडक्ट के सामने जो वैल्यूज़ अलग से जो टोटल दिख रही थी वो रिमूव हो गई। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो सब टोटल की जो वैल्यूज़ थी वो हमने डिलीट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे लगाना है फार्मूला। तो फार्मूला में हमें यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करना है, देखिए अगर हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं सेक्शन को, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करते ही यहाँ पे एक देखिए एक फार्मूला ऐड हो गया है, गेट पाइवट डेटा, और उसमें पूरी रेंज आ गई है। और अगर आप ये फर्स्ट वाला यानी सीडी वाला लेंगे तो खाली सीडी तक आएगा। हमने इसमें सेक्शन भी बना रखा है इसलिए हम ये वाला सेल सेलेक्ट करें, लेकिन स्टार्टिंग वाला सेल ही सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना, भले ही वो खाली हो, उसमें कोई वैल्यू नहीं भी होगी तो भी हमें ये लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये वाला लिया क्योंकि हमें सेक्शन तक पूरा चाहिए, तो हमने ये फर्स्ट सेल सेक्शन वाला सेलेक्ट कर लिया। आपको फार्मूला बार में भी यही सेम फार्मूला दिखाई दे रहा है। अब देखिए कहीं आपके पास इस टेबल में खाली सेल भी है, अभी देखो पूरा बॉर्डर नहीं दे रखा है इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो सेल जो दिख रहे हैं, ये जो इतना स्पेस जो खाली है, यहाँ पे ब्लैंक सेल है। अगर हमने इसको इसी तरह से यूज़ किया तो आगे जब हम चार्ट बनाएंगे या हो सकता है कोई ना कोई एरर इसमें आपको दिखाई दे और हमें सही से वैल्यू लास्ट तक नहीं दिखाई देगी। हम चाहते हैं कि हर एक मंथ की सारी वैल्यू हमें पता चले, प्रोडक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, जो भी हमने अपने टेबल में बना रखी उस तरह से। तो यहाँ पे अभी वो एरर ना आए तो इसलिए हम यहाँ पे फार्मूला बार पे अपना कर्सर स्टार्टिंग में रखते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं फार्मूला इफ़ एरर। ये देखिए इफ़ एरर है और लास्ट में यहाँ पे कॉमा लगा के ज़ीरो और ब्रैकेट क्लोज, ये हमें कर देना है। तो उससे क्या होगा, वो एरर जो हम आगे भी टेबल बनाएंगे या आगे भी हमें कोई वैल्यू ऐड करनी है तो यहाँ पे ये ब्लैंक सेल की एरर हमें नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए जनवरी की जो वैल्यू है, यहाँ पे सेक्शन वन हमने सीडी ले रखा है तो इसमें जनवरी की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी अगर हम इस तरीके से इसको ड्रैग करते हैं कि हमें सारे मंथ की चाहिए, तो देखो सेम ही वैल्यू सब पे कॉपी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में हमें कुछ न कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है। अब वो क्या चेंजेस करना है वो आप ध्यान से देखिए। फार्मूला बार में आपका पूरा फार्मूला दिया है, यहाँ पे देखिए ये फिक्स रेफरेंस में डिफ़ॉल्ट ही ले लिया है जो सेल्स की वैल्यू थी। यहाँ पे मंथ है, ये मंथ यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हमें दिसंबर तक की सारी डिटेल चाहिए। प्रोडक्ट दे रखा है सीडी डीवीडी जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी डिटेल चाहिए। सेक्शन जो भी सेक्शन में है उसके अकॉर्डिंग हमें जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसमें कुछ न कुछ फिक्स रेफरेंस करना है, लेकिन कहाँ पे और कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले देखिए ये मंथ है जनवरी। अब जनवरी सेल को हमने कर्सर रखा यहाँ पे, जैसे ही हम कर्सर रखते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पे फील्ड्स ओपन हो जाते हैं, यानी आपको वो एक फॉर्मूला दिया गया है, उसमें कुछ हिंट्स दे रखे हैं। तो देखिए हमने ये सेलेक्ट किया जनवरी, तो ये आइटम वन सेलेक्ट है। जैसे ही हम आइटम वन पे क्लिक करते हैं तो देखिए वो पूरा सेलेक्ट करता है, जनवरी पार्ट को पूरा सेलेक्ट कर लिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी जो दे रखा है वो भी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये फर्स्ट जनवरी वाला जो सेल है उसको सेलेक्ट है, तो उसका सेल एड्रेस आ जाता है। अब देखिए इसको हमें डॉलर का साइन लगा के फिक्स रेफरेंस करना है या नहीं करना है, वो ध्यान में देने वाली बात है। पहले भी आपने फिक्स रेफरेंस कई बार देखा होगा तो आपको जानकारी इस चीज़ की है। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें फिक्स किसको करना है, रो को या कॉलम को। यहाँ पे हमारे पास जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हमने सारा जो दे रखा है ये कॉलम वाइज है, रो साइड नहीं है, कॉलम वाइज है। तो हमें इसको रो को कर देना है फिक्स। तो 11 के आगे हम अपना कर्सर रख के और डॉलर का साइन लगा देते हैं, तो हमें कॉलम को नहीं, हमें रो को फिक्स करना है, क्योंकि कॉलम तो चेंज होगा, क्योंकि एक कॉलम में जनवरी है तो दूसरे कॉलम में फरवरी है, फिर मार्च है, तो हमें हर एक मंथ की डिटेल चाहिए, इसीलिए ये हमने किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट जो दे रखा है सीडी, सीडी पे अपना कर्सर रखें तो ये आइटम टू सेलेक्ट होता है, इस पर क्लिक करेंगे ये देखो सेलेक्ट हो जाता है, और ये सीडी वाला जो सेल हमने यहाँ पे जहाँ पे डेटा वैलिडेशन बना रखा है वो सेल सेलेक्ट कर देंगे और इसको फिक्स रेफरेंस में सेट कर दें, क्योंकि ये सिंगल ही सेल है, तो इसको F4 प्रेस करेंगे तो हमें डॉलर मिल जाएगा। उसी तरह से सेक्शन पे अपना कर्सर रखा, आइटम 3 पे कर्सर रखा, यानी उसको सेलेक्ट किया, ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे सेक्शन के नीचे जो हमने सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 का डेटा वैलिडेशन बनाया वो वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और इसको भी फिक्स रेफरेंस में सेट कर देंगे, क्योंकि एक सिंगल सेल ही है इसलिए, और फिर एंटर कर देंगे। अब आप इसको ड्रैग करिए, ये देखिए इस तरह से ज़ीरो वैल्यू आ गई है। हमें ज़ीरो वैल्यू ही चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें अभी यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो यहाँ पे जिस प्रोडक्ट का अप्रैल में, मई में, जिस मंथ में है या जिस सेक्शन में है उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको रिजल्ट देने वाला है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसको यूज़ करना है। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बस आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से देखना है और उसी की तरह से यूज़ करना है। वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर करके देखें और आप अपना फॉर्मूला राइट डाउन कर लें, उसके बाद इसको यूज़ करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला टिपिकल दिखता है लेकिन टिपिकल होता नहीं, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट हम कुछ और लेते हैं, हमने लिया डीवीडी। अब डीवीडी यहाँ पे सेक्शन 1 में नहीं है, तो हम सेक्शन भी यहाँ पे अगर चेंज करते हैं, जैसे सेक्शन 3 लिया तो डीवीडी सेक्शन 3 में फरवरी मंथ में है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज दिखा रहा है। हमें शायद चार्ट को पढ़ने में इतना ईजी नहीं रहेगा जितना हम इस तरह से भी देख सकेंगे। अगर बहुत बड़ी डेटा बेस आपके पास है तो आप इसको शॉर्ट रूप में इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन अगर चेंज करें, हम प्रोडक्ट चेंज करते जाते हैं तो जो सेक्शन 3 में जो जो प्रोडक्ट होंगे, किस किस मंथ के लिए हैं, वो सारे मंथ दिखाएगा। लाइक जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हैं, हम प्रोडक्ट चूज करते हैं रैम को, जब रैम किस सेक्शन में है वो सेक्शन यहाँ पे हमने लिया सेक्शन 6 में, तो यहाँ पे सेक्शन 6 यानी आपका जो प्रोडक्ट है रैम वो मई में मंथ में है, वो सेक्शन 6 में है, तो यहाँ पे भी डिटेल आपको पता चल रही है, यहाँ पे भी आपको डिटेल पता। तो इस तरह से हम अपने गेट प्राइवेट डेटा टेबल को यूज कर सकते हैं, एक फार्मूला हम लगा सकते हैं, उससे ये सारी डिटेल पता चल सकती है। अब इसको हम चार्ट के रूप में भी बना सकते हैं, तो देखिए चार्ट हम यही बना लेते हैं, ये इसे हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम चार्ट यहीं पे बना लेंगे। इस डेटा को सेलेक्ट करना है और सिंपल चार्ट बनाना है, जो हम इंसर्ट में जाके एक कॉलम चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं, ये देखिए कॉलम चार्ट इंसर्ट। अब जैसे जैसे वैल्यू आप यहाँ पे चेंज करेंगे वैसे वैसे वैल्यू यहाँ चार्ट में भी आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी, जैसे आपको यहाँ पे भी मिलेगी और जैसे आपको यहाँ पे भी मिल रही है। जैसे हमने यहाँ पे सीडी चूज किया, डीवीडी चूज किया, डीवीडी का कौन सा सेक्शन था, डीवीडी का 3 सेक्शन था, तो 3 सेक्शन में देखिए यहाँ पे ये 800 से ऊपर है, कितना है यहाँ पे 967 है, तो देखिए लगभग आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए ये 967। तो ये चार्ट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं उस अपने डेटा को, तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस तरह से आप भी अपने
एक प्राइवेट टेबल बना के अपने बहुत बड़े डेटाबेस को उसको इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चार्ट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको प्राइवेट टेबल के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं ये, थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा सा स्टेप थोड़ा सा अलग तरीके से आपको इसको यूज करना बताया, जिस तरह से आपको सुटेबल लगती है वो चीज उस तरह से आप बना सकते हैं।